हेलो एवरीवन, सैमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें करते हो तो एक मेजर फैक्टर भूल जाते हो कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई काम ही नहीं करता है। मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रीवियस वीडियो में कि जैसे कि हर कोई पेरिशेबल आइटम में एंटर करता है, मतलब अनियंस वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल में। अगर आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है तो ऑलवेज रिमेंबर आपको आपका प्रोडक्ट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो क्लाइंट के सामने, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जब भी आपको एंटर करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, यू शुड नो कि इन क्वेश्चंस के साथ आप एंटर कीजिए ताकि आप अपना ज़्यादा फोकस कर पाओगे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज लाइक दिस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में तो आपके पास सर्टेन ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए कि क्या करना क्या एग्जैक्टली। ऐसे नहीं कि बायर ढूंढने के हम ये प्रोडक्ट में काम करते हैं तो वो जब भी आपसे बाय करेगा, एक तो मार्केटिंग का वो करता है कि जब अगर वो ब्रांड का है काम, तो एक तो आपकी ब्रांड वैल्यू उतना नहीं है उस कंट्री में, तो ये समझ लिए आप न्यू हो उसका, आपका ब्रांड वहाँ पे नया हो। अगर क्लाइंट अपने ब्रांड से मंगवाता है, सपोज करो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करके दे रहे हो या तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर उसका लेबलिंग वगैरह लगा के दे रहे हो, तो उस टाइम पे वो उसका लुकआउट होगा। बट हाँ, आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट, आपका कैरेक्टर्स क्या है उस प्रोडक्ट के, ठीक है, एक ये क्वेश्चन होना चाहिए। सो यू शुड बी क्लियर सो दैट आप कन्विंस कर सकते हो बायर्स को। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके प्रोडक्ट्स के, ये मॉडिफाई हो सकता है क्या, या हम उसको और किस लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं ना। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन शुड बी कि आप जितने भी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो 1 kg का पैकेट है, 2 kg का, 3 kg पे जो भी, तो उसको लोअर कॉस्ट में आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, मतलब आपका वो व्हाट यू कैन से आपका वो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन का कॉस्ट हो गया, आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सब लॉजिस्टिक में आ गया, तो पैकिंग का कॉस्ट हो गया, तो आप किस चीज़ में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो ताकि आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन शुड बी कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सीजनल है या राउंड द ईयर है, और अगर सीजनल है तो उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, राइट। उसके बाद कौन से क्वेश्चन आता है आपका कि आपका लाइक मोर ड्यूरेबल कैसे बना सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को, और इजी टू यूज कैसे कर सकते हो, मोर अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो उस प्रोडक्ट को। आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये किसी अदर प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट तो नहीं है, मतलब होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बेचते हैं लो क्वालिटी में, सो वी आर नॉट वर्किंग हियर ऑन अ लो मार्जिन की बात नहीं है, मतलब सब्सटीट्यूट है तो फिर प्राइस के ऊपर बड़ा एक इफेक्ट आता है, तो आप पहले देखिए कोई सब्सटीट्यूट तो नहीं कोई। उसके बाद कि कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करना है, तो है ना, कलर के हिसाब से हो गया, फ्लेवर के हिसाब से हो गया, उसका साइज हो गया, और अदर किसी भी फॉर्म के हिसाब से चेंज करना है। तो अब ये देखो आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता, लाइक ये ड्राइड है या ना, ग्राउंड का है, डिहाइड्रेटेड आपका प्रोडक्ट, लिक्विड फॉर्म में है, फ्रोजन है, ठीक है, आपका कुक्ड है, बॉइल्ड है, बेक्ड है, स्मोक्ड है, सॉल्टेड है, तो किस फॉर्म में एग्जैक्टली आपको इस हिसाब से उसकी पैकिंग बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है आप मिक्स करके किसी और के साथ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अपकमिंग वीडियो में और क्वेश्चंस का वो सीरीज रहेगा, सो दैट आपको थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस करोगे कि एग्जैक्टली क्या है, तो ये चीज़ें कन्विंस करने के लिए बहुत काम आती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ भी सीखना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, यू कैन गिव मी कॉल, सो आप उसका भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।